हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अब आप लोगों की नई क्लासेस की वर्कशीट स्टार्ट हो गई है, तो आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपकी डेट 5 जुलाई 2021 की है। तो रियल नंबर्स है आपका, फर्स्ट चैप्टर में से ही स्टार्ट करते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, यानी कि जब हम कॉमन फैक्टर करते हैं तो सिर्फ एक ही उनका कॉमन फैक्टर आता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? को प्राइम। एच सी एफ क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स टू और मोर नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर देता है। एल सी एम क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ गिवन नंबर्स, इनकी दो नंबर दिए गए हैं तो जो एल सी एम आपका निकलेगा उन दो दिए हुए नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर। इरेशनल नंबर आपका क्या है? ए नंबर डैट इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल, यानी कि जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इरेशनल। अब रैशनल नंबर क्या होता था? पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल। एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर क्यू एंड क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी कि जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर है? रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव आर इरेशनल नंबर्स, ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0.1428, और डैश डैश डॉट डॉट का मतलब क्या है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। अब जो नंबर ख़त्म नहीं होता तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और अगर उसमें कोई नंबर रिपीट होता है तो कहलाता है रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 2 8 5 7 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर रिकरिंग की जगह रिपीटिंग वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में देखिए 3/8, यानी कि मैं 3 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.375, यहाँ और यहाँ आके मेरा डिवाइड ख़त्म हो जाता है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। जहाँ डिवाइड ख़त्म नहीं होता नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो गया टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है रिकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिकरिंग, तो ये दोनों आपके रैशनल नंबर हैं। ठीक है, रूट टू को देखिए, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414239। अब यहाँ देखिए डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो गया टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर रिपीट हो रहा है रिकरिंग, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है नॉन रिकरिंग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक से बेटा डिवाइड करना आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो ये बीच वाला आपका क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है, और ये जिससे हम डिवाइड करते हैं ये आपका क्या कहलाता है? डिवाइज़र कहलाता है। ठीक है, ये आपका जो आंसर आता है ये आपका क्वोशेंट कहलाता है, सभी को पता ही होगा ये तो, और ये नीचे जो भी जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 245 ये वाली जो वैल्यू होती है ये क्वेश्चेंट इंटू डिवीज़र, क्वेश्चेंट इंटू डिवीज़र 3 आएगा प्लस 2 जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 81 इंटू 3 प्लस 2 आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चेंट या फिर डिवीज़र भी लिख सकते हैं, क्वेश्चेंट इंटू डिवाइज़र। ठीक है, क्वेश्चेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आप यहाँ पे डिवीजन पहले भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128। देखिए मैं आपको आंसर अभी यहाँ ऐसे ही समझा रही हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर आंसर दिखा दूँगी। देखिए 210 और 128, तो 128 से हम 210 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा 128, ये आपका 82 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 128 प्लस रिमाइंडर कितना है? 82। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, 128 इंटू 1 प्लस 82। फर्स्ट का आंसर क्लियर है। सेकंड देखिए, फाइंड एच सी एफ एल सी एम 112 एंड 86। ठीक है, तो पहले हम 112 के फैक्टर करेंगे, तो 112 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 82 के जब 86 के आप जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 43।
अब HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन है तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 HCF हो गया। LCM क्या होता है, सबसे पहले आप HCF को लिख दीजिए और जो भी नंबर बचते हैं ये सब लिख दीजिए, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 43 × 7, देखिए ये जो 2 है ये एक ही बार लिखा जाएगा। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4816। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है, आपको प्रूफ करना है 112 × 86। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है 112 × 86 इज इक्वल टू HCF × LCM, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 112 और 86 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 9632। और यहाँ HCF यानी कि 2 और इसको जब आप गुणा करेंगे तो भी आपका 9632 आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आते हैं, यानी कि दोनों जो नंबर दिए होते हैं जिनका हमें HCF LCM निकालना होता है वो बराबर आते हैं HCF और LCM के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है। जब आप 164 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.3333, ये रिपीट होता जाएगा। तो भाई ये एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या हो जाएगा, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, अब आंसर आपको दिखा दूंगी। 83 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.85714285742, यानी कि रिपीट हो रहा है लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग सेम। 100 को 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.66666 ... यहाँ भी देखिए ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग। तो तीनों का आंसर आपका सेम आएगा। फोर्थ में देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डैश नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आपका कहाँ पे आया था, यहाँ पे √2 पे, और √2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल। तो चलिए अब मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए डिवीजन एल्गोरिथम मैंने लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ आप क्वेश्चन इधर और डिवाइजर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद देखिए HCF और LCM मैंने आपको बता ही दिया है, ये कॉमन आ रहा है, सॉरी 2 कॉमन आ रहा है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और LCM जो भी बच गया एक्स्ट्रा वो भी सब मल्टीप्लाई करके 4816। अब ये प्रूफ करना था, ये इक्वल आना चाहिए, तो देखिए 9632 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, यहाँ पे देखिए बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और ये भी आपका रिकरिंग आएगा, नॉन हटा दीजिएगा प्लीज, ... ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, रिकरिंग क्यों, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए 8 5 7 1 4 8 7 1 5 1 4 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6.666 नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए रिकरिंग, रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग वर्ड भी देख सकते हैं कहीं पे लिखा हो। और फोर्थ में आपका आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ आपके वर्कशीट के क्वेश्चंस होते हैं फिनिश, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।